फायरिंग करते ही 260 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये बुलेट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स पर बंदूक से बाहर निकली। अगर मैं बुलेट प्रूफ जैकेट की आउटर कवरिंग को हटा दूं तो इसके अंदर रहेंगे चार लेयर्स। सबसे पहली है सिरेमिक लेयर, फिर एरामिड फाइबर लेयर, फिर वर्टेक्स लेयर और लास्ट में ये पॉलीएथिलीन लेयर। सबसे पहले बुलेट इस सिरेमिक लेयर की इन सिरेमिक डिस्क से टकराएगी, जिससे बुलेट की स्पीड कम हो जाएगी, प्लस बुलेट का ये स्ट्रीमलाइन शेप कुछ इस तरह से डिफॉर्म हो जाएगा। डिफॉर्म होने के बाद बुलेट इस एरामिड फाइबर लेयर से टकराएगी। ये स्टील से भी ज्यादा मजबूत एक टाइटली वीव्ड फाइबर है। बुलेट के कॉन्टेक्ट में आने से ये इस तरीके से पीछे की ओर स्ट्रेच हो जाएगा और इस बुलेट की काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसको चीरते हुए बुलेट वर्टेक्स लेयर से टकराएगी। वर्टेक्स लेयर और कुछ नहीं, बस इस एरामिड फाइबर लेयर का ही अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि और ज्यादा टाइटली वीव्ड रहता है। आगे बढ़ते हुए ये हाई टेम्परेचर बुलेट जब इस टाइट केमिकल बॉन्ड्स वाली पॉलीएथिलीन लेयर के कॉन्टेक्ट में आएगी, तो इस पॉलीएथिलीन का कॉन्टेक्टेड पार्ट पिघल जाएगा और इस बुलेट को ऐसे जकड़ लेगा।